अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान गनी और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं उस्मान व्लॉग्स। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज के व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैं आज जा रहा हूँ कमर विशानी के सफर पे, क्योंकि वहाँ की एक फेमस चप्पल है जो कि बहुत ही आजकल हमारे इलाके में फेमस हुई हुई है। आगे ईद आ रही है, ईद की वजह से हमने स्पेशल उनको ऑर्डर देना है, क्योंकि उनको पहले ऑर्डर देना पड़ता है, बाद में ऊपर आके देते हैं। वहाँ का सफर करते हैं, उस इलाके का आपको भी विजिट करवाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कौन सी चप्पल फेमस है वहाँ पे। हमारा कमर मशानी का सफ़र शुरू हो चुका है। हम अभी जा रहे हैं सीपैक वाले रास्ते से, जो कि सीपैक हमारे मोज से थोड़े से दूर फासले पे गुजर रहा है। उस साइड पे हम जा रहे हैं। अगर हम अपने मेन रोड की तरफ जाएं तो वहाँ पे वो हमें कमर मशानी बहुत दूर पड़ता है। अभी हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, आपको भी वहाँ का विज़िट करवाते हैं, हम भी खुद इंजॉय करते हैं, आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। अभी हम सी पैक पे आ चुके हैं, जो कि हमारे गांव के बिल्कुल करीब गुज़र रहा है। अभी हम पुल के ऊपर से गुज़र रहे हैं, आप भी व्यू लें, हम भी मज़े करते हैं यहाँ पे। अभी हम सी पैक से तो उतर चुके हैं, अभी इन खूबसूरत कच्चे रास्तों से होते हुए कमर मशानी तक पहुंचेंगे, जो कि यहाँ का बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस टाइम का। खेड़ी पसंद करने गए थे लेकिन पसंद नहीं आई, अब दूसरी जगह जा रहे हैं और मेरा दोस्त ये शर्म कर रहा है साथ वीडियो बनवाने से। वैसे एक जगह से चप्पल रिजेक्ट करके दूसरी जगह पहुंच गए हैं, अपने पैर का साइज दे रहे हैं वहां पे। इसका मशहूर नाम सराइकी में खेड़ी है और उर्दू में इसको चप्पल बोलते हैं। ये भाई अपने पैर का साइज दे के अपना नाम एड्रेस लिखा रहे हैं उनको कापी पे। हमने चप्पल का ये डिज़ाइन पसंद कर लिया है, तीन डिज़ाइन की चप्पल हमने बनवानी है तीन भाई तीन दोस्तों ने, एक का पहला था, अब दूसरा है और ये अब तीसरा। एक भाई को डिज़ाइन में चप्पल पसंद नहीं आती, इस भाई ने अब सादा चप्पल लिया है जो आपको पहले दिखाई है, उसको सादा चप्पल पसंद है, उसने सादा चप्पल ले लिया है। वहाँ बैठे बैठे भाइयों को और भी चप्पल पसंद आ गए, जो ये कलर कितना प्यारा माशाल्लाह इनके पैर में लग रहा है, उन्होंने ये कलर भी ले लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत चप्पल है, कमर मशानी का चप्पल। फाइनल व्यू और खेड़ी ले ली है और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। सब लोगों ने अपनी अपनी खेड़ी पसंद की है, पसंद करके ली है सब खेड़ी। कुछ खेड़ी यानी चप्पल हमने ले लिए है और कुछ का ऑर्डर दे दिए है और उनको साइज भी दे दिए कि बना कर दे दें। खेड़ी लेने के बाद अभी हम आए कश्मीर बेकरी पे कमर मशानी पे कुछ खाते हैं। कश्मीर बेकरी पे समोसा खाने आए हुए हैं और सबसे पहले इनकी टिकटॉक स्टार्ट हो गई हैं, जो कि ये हमारा कैमरामैन भाई बना रहे हैं, सबकी वीडियो यही बनाते हैं, ये हमारा है कैमरामैन। इस मेरे चाचू ने तो टिकटॉक वीडियोस का ठेका ले लिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा टिकटॉक वीडियो मैंने बनानी है। ये वाइट कपड़ों वाले बैठे हैं ना,
महाराज जो काम था आपकी काफ़ी है, अभी हम वापस जा रहे हैं, काशी में चाय पीते हैं और घर पर काम चल रहे हैं। ये चाचू जान जो बाइक चला रहे हैं, इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक है, ये हर वक्त कहता है मेरी वीडियो पहले बनाओ, सबसे पहले। हाँ इतना खुश होता है वीडियो बनाने पे। अभी घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में चाय का ऑर्डर मिला, वहाँ पे चाय पीते हैं, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से हम चाय पी रहे हैं, व्यूअर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, अभी हम अब वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। गंदम पकने वाली है, जब गंदम पकाई के नज़दीक हो तो उसके ऊपर छोटी छोटी मकड़ियाँ आ जाती हैं, जिनकी बदबू बहुत ज़्यादा होती है। उस मकड़ी ने मेरे चाचू को तंग किए हुए है, दो बार इनकी आँख में भी जा चुकी है। अब ये सफाई हो रही है, क्योंकि जब बाइक पे सफ़र करें गंदम के बीच में से तो मकड़ियाँ ऊपर आती हैं और सारे कपड़े ख़राब करती हैं, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। ये हमारी बाइक है जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। यह है हमारे इलाके में दरियाए सिंध का व्यू। अभी इस टाइम हम दरिया के अंदर ही खड़े हैं, क्योंकि अभी पानी की इतनी रफ्तार नहीं है, ये इतना ज़्यादा पानी नहीं है, जिसकी वजह से पानी अभी नीचे है। हाय हाय हाय, अच्छा बात भाई। अब ऐसे ही पहले मेरे चाचू जान बंदा कुछ नहीं बार खड़े लुगी टिकटॉक वीडियो बन रही है। अब मेरे चाचे की चप्पल चेक करें जो सिर्फ वीडियो के लिए ली गई है, व्यू चेक करें जो कि अभी अभी नया नया बनाया है। माशाल्लाह ये दरियाए सिंध सही करके पहुंच गया है। हमारी मीठी ज़बान सराकी आज के व्लॉग में हमने बहुत एंजॉय किया, हमारे साथ आपने भी एंजॉय किया है। आपने देखा होगा हम कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, हमने जो सादा चप्पल रेन थी वहाँ से वो तो हमने ले लिए, और जो हमने डिज़ाइन पे बना ली थी जो हमने मैं उनको देना था साइज अपना, हम साइज दे के आ गए हैं और हमें मिलेगी तकरीबन 10 रमज़ान को हमें चप्पल मिल जाएगी। आज का विला करते हैं यहीं पे ख़त्म, अपने मेज़बान उस्मान गनी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।